हेलो फ्रेंड्स, वुमेन हेयरकट में आपका स्वागत है। जिनके एड्स आप टीवी पर देखते हैं, जिनके स्माइल के आप कायल हैं और जिनके हेयर रिलेटेड एड्स भी आपने देखे और आप उनके बालों के भी कायल हैं और जिनको टीवी पर देखकर आपकी नज़रें नहीं हटती हैं, एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी सेलिब्रिटी के साथ मैं बैठा हूँ और आप जानते हैं कि जिन्हें मैं यहाँ लाता हूँ, उनका हेयर कट भी करता हूँ, उनसे बातें भी करता हूँ। तो आइए स्वागत कीजिए हमारी बहुत ही खूबसूरत सेलिब्रिटी मॉडल ज्योति गाबा जी का। और ज्योति जी का टेलीविज़न पे तो आपने देखा होगा, जादू जो चलता है इनका, सब लोग दीवाने इनकी एक्टिंग के। आज इनको बहुत मुश्किल ढूंढा, रिक्वेस्ट की कि आइए हमारे चैनल पर आइए, अपने फैंस को, मेरे दोस्तों को कुछ अपने बारे में बताइए। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम बात करेंगे, फिर हम इनको एक अच्छा सा हेयर कट भी देंगे जो हमारा फॉर्मेट है शो का। तो ज्योति जी आप बताइए कि एक्टिंग का शौक़ कैसे हुआ आपको? एक्टिंग का शौक़ मुझे चढ़ा करीबन 21 साल पहले। आई स्टार्टेड एज अ मॉडल। मैंने खूब सारे एड्स किए हैं। आज की डेट में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो करीबन 600 टीवी कमर्शियल्स एज द मेन मॉडल मैं कर चुकी हूँ और पिछले 10 साल से मैं टेलीविज़न कर रही हूँ। 600 एड, सोचिए आवाज किसके साथ में बैठा हूँ, मतलब ये कोई आसान काम भी नहीं और आसान बात भी नहीं है, कितना इतने बड़े इतने ज़्यादा से। अच्छा, आपको एक्टिंग में क्या मज़ा आता है, ऐड करने में या टेलीविज़न सीरियल करने में? मैं अपने वर्क को बहुत एंजॉय करती हूँ, सो वेदर इट इज़ एन ऐड और वेदर इट इज़ टीवी, आई एंजॉय बोथ ऑफ इट। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि ऐड में ज़्यादा मज़ा आता है और टेलीविज़न में या फिल्म्स में कम आता है। आई जस्ट एंजॉय माई वर्क, आई लव माई वर्क। सो एनी थिंग यू लव विच इज़ यू नो योर वर्क जस्ट हैपन्स। आसान क्या लगता है? आसान दोनों ही लगता है मुझे। अच्छा, जब ब्रीफ दे दिया जाता है कि वेन यू गो ऑन द सेट कि आज आपके इतने सारे सीन्स हैं, तो ठीक है, समझ में आ गया कि ये कैसे करना है, कब करना है, कितने ड्यूरेशन में कंप्लीट करना है। और जब ऐड के लिए जाते हैं, पता है कि एक ही लाइन है लेकिन वो 12 घंटे की शिफ्ट है, तो 12 घंटे ही चलनी है विद डिफरेंट एंगल्स। तो जस्ट एंजॉय योर वर्क। ओके, तो जब आपने पहली बार, आपके दिमाग में कब आया कि हम मुझे एक्टिंग करनी चाहिए? मेरे दिमाग में ये कभी नहीं आया था कि मुझे एक्टिंग करनी चाहिए या मैं कर सकती हूँ। दैट इट वॉज़ लाइक दैट, आई वेंट टू फेमस स्टूडियो एंड वहाँ पर किसी ने मुझे कहा कि मैम आप क्यों नहीं ट्राई करती हैं। तो मुझे मॉडलिंग कुछ नहीं आता था, लेकिन व्हेन आई वेंट ओवर देयर मैंने देखा कि नोन टेलीविजन एक्ट्रेसेस जिनके अच्छे खासे शोज़ चल रहे थे उस समय टीवी पर, वो ऑडिशन देने के लिए आए थे। तो जब इन्होंने मुझसे कहा कि आप भी ऑडिशन दीजिए, तो आई वॉज लाइक कि नहीं, आई डोंट हैव द कॉस्ट्यूम, आई डोंट हैव मेकअप। दे सेड नेवर माइंड, गो टू द स्टूडियो। तब हम फेमस स्टूडियो जाते थे ऑडिशंस के लिए, ऑडिशंस हमारे अंधेरी साइड नहीं होते थे। तो वहाँ पर मेकअप हेयर कॉस्ट्यूम प्रोवाइड किया जाता था। दिस इज़ आई एम टॉकिंग लाइक 15-20 ईयर्स बैक। तो दे टोल्ड मी आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पर हेयर ड्रेसर है, वो आपके बाल बना देगी, मेकअप मैन है। सो आई वॉज लाइक कि मुझे नहीं आता, आई एम वेरी रिलक्टेंट। सो देन दे सेड कि इट डजेंट मैटर। मुझे ये भी नहीं पता था कि प्रोफाइल क्या होता था। ओके, सो दे हैड टू एक्चुअली एक्सप्लेन मी कि व्हाट इज़ अ प्रोफाइल एंड ऑल। बट 6 महीना लगा मुझे, लेकिन 6 महीने के बाद देर वॉज नो टर्निंग बैक। ओके, देर वॉज अ टाइम जहाँ कि मेरे 5-5 एड्स हर महीने होते थे, न्यू 5 एड्स ऑन एयर, एंड दैट्स व्हाट आई सेड कि जब पहला असाइनमेंट क्लिक हुआ देर वॉज नो टर्निंग बैक एट ऑल। तो पहली बार जब आपने घर में ये शेयर किया कि आप एक्टिंग में जाना चाहते हैं या मॉडलिंग करना चाहते हैं, तो क्या रिएक्शन था? देर वॉज नो प्रॉब्लम, बिकॉज 6 मंथ्स अगर मैं ऑडिशन के लिए जा रही हूँ, घर पे पता ही है ना कि मैं जा रही हूँ, ऐसे 6 महीने तो रोज तैयार होकर के इंसान कहाँ जा रहा है बताना तो पड़ेगा। सो व्हेन दे हैड नो प्रॉब्लम्स व्हेन आई एम गोइंग आउट फॉर एन ऑडिशन, सो डेफिनेटली जब काम क्लिक हुआ, लाइक मेहनत सफल हो गई। अच्छा, हम आते हैं अपने हमारे चैनल का जो मिजाज है ना, उसमें हम हेयर स्टाइलिंग की बातें करते हैं। यस, क्योंकि आपने मुझे फरवरी में कांटेक्ट किया था एंड दिस इज जुलाई एंड, सो लेट्स बेटर टॉक अबाउट इट, दैट इज आवर टॉपिक दैट आई एम हियर फॉर। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट डिले। नहीं, ये जब इन्होंने शुरू किया, इन्होंने कहा कि 600 ऐड किए हुए हैं, सोचो आज हेयर कट कर रहे हैं, इतने मुश्किल से मिले हैं, अब पता चला कि कौन मुश्किल से मिले हैं। ये आपका बड़प्पन है जो आपने इतने इतना वेट किया मेरे जवाब आने का। कम्युनिकेट तो मैंने कर दिया था कि एक ऐसा एक प्रोजेक्ट, बट इट्स वेरी नाइस ऑफ यू। जैसे मैंने आपको पूछा कि आपको मेरा रेफरेंस कहाँ से मिला, तो आपने कहा कि सास बहू साजिश टीम के वहाँ से मिला।
I'm thankful to the team also to give my reference to him and to be here to get the lovely haircut. Maintaining the length of my hair. ये पहले ही बता देती हूँ, इसको छोटा नहीं करना है. Okay. मुझे पता है ज्यादातर एक्टर्स यही कहते हैं. हाँ, इसे लंबा करने में बहुत समय जाता है. जी जी. लेकिन हाँ, व्हेन वी गो फॉर रेगुलर टेलीविजन सीरियल यू नो, एंड देन व्हेन दे सी कि हाँ चलो अच्छे खासे बाल लंबे हैं और बाल खुले छोड़ने हैं, सो वी इंसिस्ट फॉर अ विग. बट देन सपोज दे से यू नो कि नहीं विग यूज नहीं होगा, देन आई फील बेटर टू कट द हेयर ओनली, बिकॉज़ एवरीडे यू कैन नॉट गो ऑन यू नो क्रिम्पिंग और ट्वर्लिंग और स्ट्रेटनिंग योर हेयर. तो आपका सबसे फेवरेट हेयर स्टाइल कौन सा है? माय सबसे फेवरेट हेयर स्टाइल इज कीपिंग माय हेयर ओपन. ओके. तो बट आई लाइक टू क्लच इट बिहाइंड, आई डोंट लाइक इट फॉलिंग ऑन द फेस. ओके. तो यौवन आप घर में कैसे रहती हैं? आप क्लच लगा के रहती हैं? घर में मतलब ऐसे गुंडाल करके एक क्लच लगा दिया. और क्या होता है कि बहुत बारी फिर जब ऑडिशन के लिए जाना हो तो वो मार्क रह जाता है. सो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग न्यू थिंग दीस डेज की बाल गुंडाल करके जुड़ा पिंस लगा दो. Okay. तो उसमें फिर वो है ना, वो निशान नहीं रहता है. जब आप पोनीटेल बांधते हैं, बाल खोलो तो वो थोड़े से फ्लफी होते हैं, तो वो नहीं दिखते हैं, कुछ हद तक नहीं दिखते. और अगर दिखते भी हैं तो ऑडिशन निकलने के एक घंटा पहले आप खोल के क्लच लगा दो तो वो निकल जाता है. तो जब आप यूजली जब आप स्लीपिंग सोने के वक्त कैसे करती हो? आई जस्ट लीव माय हेयर ओपन. ओके. अच्छा, कोई ऐसा वर्स्ट हेयर कट कभी आपका हुआ है सर कि आपको उस हेयर कट को देखकर रोना आया हो? मैं बहुत कम हेयर कट के लिए जाती हूँ. ओके. बहुत कम. और मतलब मुझे यही होता है कि जब भी जाती हूँ तो लेंथ निकल जाएगी मेरी. मैं नहीं जाती. लेंथ से आपको बहुत लगाव है? यस. ओके. जब सारी लड़कियों को होता है, मैं एक कैंपेन कर रहा हूँ, मेरा लाइन ये है, डोंट लव योर हेयर जस्ट यूज देम. तो आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस लाइन से? नो, एनीथिंग यू लव यू वांट टू टेक केयर, सो आई लव माय हेयर. आई डोंट नो अबाउट द लैटर पार्ट, बट राइट नाउ आई लव माय हेयर. बचपन से अब तक आपको सबसे अच्छा हेयर कट कौन सा मिला? मुझे नहीं याद है. मैंने बोला ना, बहुत कम हेयर कट कराती हूँ मैं. अच्छा, आपने हेयर कट बहुत कम लिया? रेयरली. रेयरली. वेरी रेयर. वेरी रेयर. अच्छा, तो आज आपको क्या? बट यू नो सी मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स लाइक यू नो ये जो एंड्स जो पतले हो जाते हैं या उसको जो दो मुंह बन जाते हैं बालों के, वो तो अभी नहीं है. लेकिन इट्स ओनली दैट टाइम आई वुड गो फॉर अ ट्रिम. लेकिन जब जब मैंने स्टाइलिस्ट को बोला कि मुझे स्टाइल दो, उस दिन तो अच्छा लगा क्योंकि वो अच्छे से सेट कर देते हैं. बट व्हेन यू गो बैक होम यू नो एंड यू वॉश योर हेयर, ऑब्वियसली हम सेम डे नहीं वॉश करते, बट आफ्टर अ डे और टू डेज व्हेन यू वॉश योर हेयर, तो वैसा स्टाइलिंग नहीं आता है करने के लिए. अच्छा, आपके बालों में क्या है ना, आपके बाल जो है ना वो ड्राई है. हाँ. इनहेरेंटली ड्राई है. हाँ. तो इनके ऊपर ना आप स्मूथनिंग ट्रीटमेंट ले लीजिए. मैंने स्मूथनिंग 4 years बैक कंटिन्यूसली मैंने लिया है. बट वॉट हैपन, आई हैव टेकन केराटिन, सॉरी. लेकिन क्या होता है, जब केराटिन वॉश ऑफ होता है, बहुत सारे बाल अपने साथ लेकर के जाता है, बहुत हेयर लॉस होता है. इट्स लाइक नाउ फ्रॉम 4 years आई स्टॉप ऑल हेयर ट्रीटमेंट्स, बिकॉज आई हैव डन अराउंड 15 to 17 हेयर कमर्शियल्स इन अ स्पैन ऑफ 21 years. सो व्हेन यू आर डूइंग सो मच ऑफ वर्क, डेफिनेटली योर हेयर विल गो फॉर अ टॉस. आई मीन यू टॉक अबाउट द ब्रांड्स, लेट इट बी पैंटीन, क्लिनिक प्लस, गोदरेज इजी हेयर डाई, लिवॉन, नेम द ब्रांड्स एंड लाइक यू नो आई मॉडल फॉर इट. मैंने आपको उसमें देखा था फेसबुक में, हमने काफ़ी फोटोज. हाँ, मैंने बहुत एड्स किए हुए. आज हमारे खुशनसीब भी आपके साथ बैठे हुए. तो 600 एड्स आपने किए, उसमें ज़्यादातर बालों के प्रोडक्ट्स मतलब शैम्पू के ज़्यादा किए? नॉट शैम्पू, लिवॉन इज अ सीरम. ओके. ईजी इज अ हेयर डाई, गोदरेज ईजी इज अ हेयर डाई. देन आई हैव डन फॉर सीरम, शैम्पू, हेयर कलर्स, दैट्स इट. एक ऐड तो ऐसा था जहाँ उन्होंने मुझे कहा था कि यू हैव टू मेक योर हेयर ऑरेंज कलर एंड देन दे विल मेक इट ब्लैक कलर. सुन के ही मैंने बोला नहीं करना है मुझे, यू नो. सो दे सेड नहीं, हम आपको वापस से वो कलर देंगे जो आपके बालों का है. मैंने बोला मुझे करना ही नहीं है. आपने बहुत ही स्मार्ट डिसीजन लिया. हां, आई स्टॉप डूइंग हेयर एड्स. पूरा कलरिंग मुझे पता कैसे करते हैं वो. कई बार मैं रहा हूं उस प्रोसेस में. एक हमारी एक्ट्रेस दोस्त है मल्हार, उसके बाल का तो क्या सत्यानाश कर दिया था उन लोगों ने. पहले उसको अच्छा जो कलर का वो ऐड कर रहे होते हैं ना, वो कलर उनके पास होता भी नहीं है. हाँ. वो कुछ और ही चीज़ लाते हैं उस कलर को बनाने के लिए. तो वो आपने बहुत अच्छा किया.
तो अच्छा, आज आपको क्या लग रहा है किस तरह का हेयर कट आपको मिलने वाला है और क्या रिजर्वेशंस आप मेरे ऊपर लगाने वाले हैं? नहीं नहीं, मैं कुछ ऐसे कंप्लेंस या ऐसा कुछ आपके ऊपर लगाने नहीं वाली हूँ लेकिन हाँ, ये उम्मीद लेकर के आई हूँ कि इस लेंथ को मेंटेन करेंगे, एक अच्छा सा स्टाइल देंगे, थोड़ा सा ट्रिम कर सकते हैं, थोड़ा okay. सा अब वो थोड़ा सा बताना पड़ेगा मुझे कितना थोड़ा जब अर्चना जी का हेयर कट कर रहा था तो बोलती जब तुम मेरे बाल काट रहे थे ना तो मुझे विजुअल आ रहा था अच्छा उन्हें क्या बोलते तुम भाग रहे हो, मैं डंडा लेके तुम्हारे पीछे दौड़ रही हूं नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी यहाँ पर एक्चुअली मिरर भी नहीं होगा ना, आप जब हेयर कट करोगे मुझे पता भी नहीं चलेगा कि पीछे से कितना बाल जा रहा है, ये कैमरा रहेगा, इट्स जस्ट एन इमेजिनेशन। अब ये सोचिए आपको ब्लाइंड फेथ करना पड़ेगा मेरे ऊपर। हाँ लेकिन अगर आपने मेरे बाल बहुत ज्यादा काट दिए ना तो मैं फेसबुक में सबको बताऊंगी कि मैं शुरू से बोल रही थी इतना काटो, तो अगर आपको बुला रहे इंटरव्यू के लिए आप देख लेना, आप देख लो, मतलब आप प्रिपेयर्ड रहो इस चीज के लिए। ओके, तो अभी आजकल आप अपने आपकी फैमिली लाइफ भी है और आप काम कर रही हैं, अभी भी कर रही हैं, तो आप प्रेफर क्या करती हैं सीरियल्स, अगर आपको भी ऑफर रोल आए किस तरह कैरेक्टर्स आप करना चाहती हैं? मैंने शुरुआत किया था एज अ मदर and I'm continuing till now as a mother. Okay. So there is nowhere I got to choose anything. Whatever came, it's like they see your work. If आपको अगर उस किरदार में अगर लोग पसंद करते हैं तो उसी में ही आप कंटिन्यू रहते हो। जी। There is no other diversification. Okay. अच्छा, जैसे मेरा एक्सपीरियंस, मैं राइटर रहा हूँ सीरियल्स। हाँ। 12-15 एपिसोड के बाद तो मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाता था लिखने का। Okay. सेम सिचुएशन, सेम किचन पॉलिटिक्स, और सेम वो एक चीज घटना हो गई तो पूरा परिवार उसको डिस्कस करता था अलग अलग कमरों में, कंटेंट सेम है, तो मैं नमस्कार करते रहता था। मैंने कहा भैया आपको कभी ऐसा लगा सीरियल्स में करते करते? नहीं नहीं लगा आपको कभी? नहीं, आई जस्ट लव माई वर्क। ओके, एंड इट्स लाइक व्हेन अ शो कम्स टू एन एंड आई फील सैड, यू नो, समटाइम्स स्टोरी मीनिंगफुल भी नहीं होती है, बट आई टोल्ड यू आई लव माई वर्क, सो इफ यू लव योर वर्क इट्स फाइन। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि अरे ये जो मैं बोल रही हूँ मतलब इट्स नॉट मीनिंगफुल, बट आई डोंट टेल बिकॉज दैट्स नॉट माई जॉब। आई फील आई जस्ट डू वॉट इज बीन गिवन टू मी, इट्स लाइक दैट। डायरेक्टर्स बोल रहे हैं आई डिलीवर कर देते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, एंड सी इफ यू पुट योर लव इन टू योर वर्क automatically it will show on screen. Yeah, it is like that. Yes, you don't have to put in your efforts at all. Like my show I did with Rajshri Productions, PL Vela, jo 1.5 saal chala, okay, usme mujhe Z rishte se mujhe award mila for the best mom in law. Okay, and wo Z ka 25va saal tha, you know that Z rishte awards, that was the 25th year for them. Kitna important, exactly. So usme I was nominated and mere show se mera selection bhi hua and I was like very happy. Us show ne mujhe matlab bahut sare acting ke alag alag chances diye. Us show pe mujhe pagal bhi banaya gaya tha. So maine paglo wali bhi acting ki hai. Are wah. To उसके पहले मैंने ऐसा कोई शो किया नहीं है जहाँ पर मुझे पागल बनना पड़ा, बट एवरी न्यू असाइनमेंट, क्योंकि जब आप कोई भी असाइनमेंट को शुरू करते हैं तो कुछ फिक्स नहीं होता है कि यही कंटिन्यू है, हाँ ठीक है, माँ है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, बट उसके भी अलग अलग शेड्स आते हैं बीच में, जैसे कि राइटर्स है वो अपना इनपुट्स देते रहते हैं, क्रिएटिव्स होते हैं, थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग, इट नेवर रिमेन्स द सेम, इट कैन नॉट गो लाइक दैट। सो I just enjoy whatever comes my way. हाँ, लेकिन when the working hours gets, you know, very stretchy and very long, then that is the time like I find it difficult to cope up, you know. Otherwise, okay. I have no problems. I feel very very happy. तो ऐसा कोई character film का, serial का, international film का, किसी international actor का, national actor का, कोई character जो लगता है कि यार ये मैंने कभी किया, मुझे मिला होता, काश मुझे मिला होता और मैंने किया होता? Okay, you know what? जब मैं सिर्फ और सिर्फ एड्स करती थी तो तारे ज़मीन पर, उसके लिए मुझे कॉल आया था आमिर खान प्रोडक्शन से और इन्होंने मुझे कहा था कि वे लुकिंग फॉर अ मॉम, तो आप आइए यहाँ पर। सो आई आस्क्ड देम कि आपका शूटिंग स्केड्यूल कहाँ है, सो दे सेड कि इट इज़ आउटडोर, सो आई सेड कितना टाइम है, सो दे सेड कि 2 महीना, ऐसे कहाँ होगा, सो आई थिंक दे सेड पंचगिनी, आई डोंट रिकॉल, क्योंकि ये बहुत साल पहले की बात है,
तो आई सेड नहीं, मैं तो नहीं जा सकती हूँ 2 महीने आउटडोर्स, इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो दे सेड कि लेकिन तुम भी एक बार आके यहाँ मिल करके तो जाओ. सो आई सेड आई डोंट थिंक सो आई कैन डू इट, सो आई फाइंड इट नो पॉइंट टू कम, यू नो आई सेड दैट टू देम. अगेन इन अ स्पैन ऑफ लाइक से 10 days और 15 days वापस से मुझे कॉल आया. तो मैंने बोला कि आपने मुझे पहले भी कॉल किया था लेकिन मैं नहीं कर सकती. तो बोले लेकिन इधर आके मिल करके तो जाओ. सो हमने लेकिन मिलने का क्या फ़ायदा होगा, मतलब मुझे परमिशन नहीं मिलेगी, यू नो 2 months आउटडोर इज नॉट पॉसिबल फॉर मी. सो दे सेड ओके फाइन, ठीक है. फिर उसके बाद कुछ महीने बाद आई वाज शूटिंग इन फिल्मिस्तान स्टूडियो एंड मैं कोई ऐड कर रही थी, कोई सीमेंट का ऐड कर रही थी जी. तो तब मुझे मेकअप मैन ने बताया कि मैम यहाँ पर बाजू में ना आमिर खान प्रोडक्शन का शूट चल रहा है, फिल्म की शूट चल रही है, तो वहाँ रास्ता बंद किया हुआ है, वहाँ गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं. सो आई सेड कौन सी, लाइक वो बच्चे पर है एक फिल्म. सो आई सेड लेकिन वो तो पंच के नहीं बताया था. बोले नहीं, उन्होंने कुछ टाइम वहाँ शूट किया, वो स्क्रैप हो गया एंड देन आमिर खान ने खुद डायरेक्ट किया है इसको. So that is the time I felt, I'm like, my God, you know, at least मैं चली तो जाती ऑफिस, you know, that was the time. Okay, ये तो बड़ा पर्सनल झटका है ना, मतलब वो एक ऐसा डिजायर्ड करेक्टर ऐसा, exactly, exactly. वो हाथ में आया और हमने नहीं लिया, लेकिन डेस्टिनी में शायद. हाँ वही चीज़ है ना कि आपकी किस्मत में जो है वो आपको मिलेगा और जो नहीं है नहीं मिलेगा, तो साइड से ही चले जाएगा. वेरी गुड. तो हम लोग अब हेयर कट शुरू करें. हाँ तो मैं अब अपने दूसरे काम पर लग जाता हूँ. अब मैं बाल काटता हूँ आपके. हाँ मुझे बहुत अच्छा लगेगा आज ऐसे एक शख्सियत के बाल काटना जिन्होंने इतने, मतलब मैंने आपका जब प्रोफाइल देखा ना, मैंने कहा वाह कितनी हम्बल हैं, कितनी डाउन टू अर्थ हैं, जो किसी को जानती नहीं है, सिर्फ फेसबुक पे 2 लिंक देख के वो एंटरटेन कर रही हैं. मुझे बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. और मैं फील कर रहा हूँ. थैंक यू सो मच. और आज आपके सामने बैठा हूँ मैं, आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी प्रिविलेज है मेरे लिए. और बाल काटने जा रहा हूँ. चलिए हम शुरू करते हैं अपना बाल काटने वाला राउंड. फिर बाल काटने के बाद आपसे पूछेंगे कि आपको हेयर कट कैसा लगा. तो अब ज्योति जी के बाल मेरे हाथ में हैं. अभी तक तो लग रहा है सेफ हैंड्स. ओके. लेकिन अगर मान लीजिए मैं आपके बाल ऐसे ऐसे ब्लंड कर दूं. अरे नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो, अभी तो मैंने सेफ हैंड्स बोला था. ओके. आपका 3 इंच यहाँ तक है. ओके. वो तो बहुत ज़्यादा कट जाएंगे. हाँ इतना कटेगा तो आपका एंड डैमेजिंग कलर है. ओके. तो इतना तो हम यहाँ पे यस. ओके इतना जाएगा. ठीक है काटूँ. ओके. तो आज जो है मुझे और लेकिन जो फ्रंट वाला होगा वो फ्लिक्स बहुत शॉर्ट मत रखना कि वो मुंह पर आए, बिकॉज आई नॉर्मली क्लच माय हेयर बिहाइंड. ऐसा भी नहीं हो कि क्लच में फिर वो से मैं आपका जॉइन से भी बड़ा रखूंगा. हाँ ठीक है. अंदर से हार्टबीट हुआ 3-4 बार. आपने बाल कर लिए देखा. तो
लेकिन ठीक है, कभी कभी कुछ न्यू भी ट्राई करना चाहिए। ये मेरा वो डोंट लव योर हेयर जस्ट लेंस का थोड़ा थोड़ा असर होने लगा। ज्योति जी तो मेरे कैंपेन का मेरी लाइन का। यस यस साइड पार्टिंग। वो जो हेयर कट हो गया, वो जो गया जी, ठीक है, वो अभी वापस ग्रो करने में बहुत साल लग जाते हैं ना। तब आप जल्दी जल्दी कटाएंगे तो बहुत जल्दी बढ़ता है। ओके जी, ये ऐसा होता है। मैं ना लेस टॉक करती हूँ क्योंकि बाल काटते टाइम अगर टॉकिंग में लग जाएंगे शायद थोड़े और शॉर्ट हो जाए। नहीं ऐसा नहीं है, आप हमारे साथ आप बात कर सकती हैं क्योंकि बाल जो है ना वो छोटे नहीं होंगे, जितनी लेंथ काटनी थी मैंने काट दी। ओके तो मैं आपसे ग्रोथ से भी बहुत ही मैं ऐसे काट रहा हूँ आपका चिन भी ना लगे। ओके ग्रोथ भी आपकी ठीक ही रहेगी। वैसे हेयर वन मंथ में कितना इंच ग्रोथ होता होगा? ये डिपेंड करता है आपकी जो ये मेड्यूला है ना उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर। ओके हाफ इंच तो मिनिमम बढ़ता है, मिनिमम। अच्छा किसी भी कंडीशन में हाफ इंच तो बढ़ता है और ज़्यादा भी बढ़ सकता है। ये कट का नाम क्या है? ये क्रंच लेयर्स। क्रंच लेयर्स। Thank you.
ये ज्यादातर हमारे हेयर कमर्शियल्स में किया जाता है। हेयर कट के बाद मसाज नहीं मिलता? तो आप बताएं कि जब आपको जब कैंची चली आपके बालों में पहली बार पूरी लेंथ पकड़ के जब उन्हें कटा, कैसा लगा आपको, कहाँ जा रहे हैं बाल? जो हार्ट बीट हो रहा था ना यहाँ, अगर वहाँ पर ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सप्लेन किया आपने, आपको समझाया, अच्छा न्यू लुक चाहिए तो थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। थोड़ा सा सैड फील हो रहा है, बाल शॉर्ट हुए, लेकिन मैंने बोला न्यू लुक चाहिए तो हैप्पी हैप्पी रह करके धैर्य रखना पड़ेगा। सो फाइनल आउटकम इज आई एम हैप्पी। ओके, थैंक यू ज्योति जी, आपने जो टाइम दिया हमारे दर्शकों के लिए, आपने जो वक्त निकाला और अपॉइंट करके स्टूडियो तक हेयर कट किया, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।